हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नाइस विद अर्जुन सर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस में 11,880 वैकेंसी आ चुके हैं, काफ़ी मात्रा में वैकेंसी है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जब बातें करेंगे इस बार बिहार पुलिस का एक्सेप्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है और कितने नंबर को लेकर आपने तैयारी करनी है, कितने नंबर आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर हम बातें करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ, जो पिछला कट ऑफ गया था 4 फरवरी 2018 को, जो रिज़ल्ट आया था बिहार पुलिस का, उसको आप भूल जाइए। अब लगभग एक साल बीत चुका है, अब कंपटीशन थोड़ा लेवल का हो गया है, यानी हाई लेवल का यहाँ पर कंपटीशन हो चुका है। तो आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, आपने कितने नंबर को लेकर यहाँ पर तैयारी करनी है, 100 नंबर का यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होना है, और 100 में से आपको कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है, किस लेवल पर आपको तैयारी करनी है, तो इसी को लेकर हम इस वीडियो में बातें करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं और विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो गाइस, आपने बिहार पुलिस के लिए कितने नंबर को लेकर यहां पर तैयारी करनी होगी। देखिए, जनरल की बात की जाए बिहार पुलिस में, आपने 70+ नंबरों को लेकर अपनी तैयारी करनी है, ठीक है ना। अपना टारगेट रखना है 70+ का जनरल कैटेगरी में। यदि आपका 70+ स्कोर बन रहा है, ऊपर बन रहा है, तो काफ़ी अच्छा स्कोर बन रहा है, तो आपने अभी से तैयारी कर देनी है, काफ़ी अच्छी तरीके से आपने तैयारी करनी है यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपने 67+ में तैयारी लेकर चलना है, ठीक है ना, यानी कि 70 के आसपास ओबीसी में यदि आप तैयारी करके चलते हैं तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी है, आपका सिलेक्शन बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गई आपकी जनरल ओबीसी की बात, ठीक है। काफ़ी लेवल बढ़ चुका है कंपटीशन का, कैंडिडेट भी इस बार बढ़ जाएंगे, वैकेंसी भी अच्छी है, ठीक है ना। तो इतना आपका इतना नंबर का पेपर करना ही पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं बीसी की, तो आपने 65+ पे जाना है बीसी में, तो आपने सिलेक्शन हो जाना है, ठीक है ना। 65+ यदि आप नंबर लाते हैं बीसी कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाना है, ठीक है। और एससी की बात की जाए, 62+ में आपने तैयारी करके लेकर चलना है, ठीक है ना। 62+ ही रखना है, 62 नीचे नहीं लाना है, 62 से प्लस में ही आपने जाना है, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर बन जाना है और आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। और बात करते हैं एसटी की, एसटी 60+ पर काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा, तो इतना स्कोर आपने करना है 60+ में। यहाँ पर आप प्लस में ही लेकर चलोगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाना है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी हमने आपको मेरिट बताई है, इतने नंबरों को लेकर आपने चलना है, इतने नंबर आपने सिलेक्ट करने हैं बिहार पुलिस में, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता है बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेने से, ठीक है। तो जनरल में 70+ लेकर चलना है आपने, ऊपर आप लाते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा, फिर तो आप निश्चिंत रहेंगे। 70+ से लाएंगे, 72, 74, 75 जितना भी लाएंगे तो आपका अच्छा स्कोर बन जाना है। इसी तरीके से आपने ओबीसी में लाना है, लगभग 67+ नंबर आपने यहाँ पर लाने हैं ओबीसी में, यही टारगेट आपको लेके चलना है, ठीक है। कितना टारगेट लेके चलना है आपने, 70+ में, और जनरल ओबीसी 67+, बीसी 65+, एससी 62+ और एसटी 60+, इससे प्लस में ही रखना है, निगेटिव में नहीं रखना है, ठीक है ना। 2, 4 या 6 नंबर ऊपर लाते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आपको बताई है बिहार पुलिस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ, कितना कट ऑफ इस बार रह सकता है, कितना टारगेट लेके आपने चलना है, ठीक है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।